और इस वक्त की एक बड़ी खबर, इस बीच आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी पर कांग्रेस नेता उदित राज ने अब एक स्पष्टीकरण जारी किया है। उदित राज ने यह कहते हुए स्पष्ट किया है कि द्रौपदी मुर्मू जी के संबंध में मेरा बयान मेरा है और कांग्रेस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। सुनिए। आपकी एक ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है, आपने जो ट्वीट किया है, खासकर राष्ट्रपति को लेकर जो आपने ट्वीट किया है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी आपको निशाने पर ले रहा है, क्या आप इस पर कहना चाहते हैं? पहला, ये बयान मेरा निजी है, कांग्रेस का नहीं है। नंबर दो, वो राष्ट्रपति है तो देश की दलित आदिवासी और दलित की रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने आदिवासी से सवाल नहीं किया है, राष्ट्रपति से सवाल नहीं किया, राष्ट्रपति के लिए नहीं किया, अपने प्रतिनिधि से बात किया है कि आपको हमारे सवालों पर, आरक्षण पर, निजीकरण पर आक्षेप रहती है और नमक खाकर के आप भी जिंदा रहिए तो पता लगेगा कि इन गरीबों का, बेसहारों का और उपेक्षितों का और इनके इनका ख्याल नहीं आता है। अभी तक नहीं बोला, ऐसे गोविंद जी भी थे इसी तरीके से। लेकिन लेकिन उदित राज जी, एक दलित आदिवासी प्रतिनिधि से मैंने पूछा, राष्ट्रपति से नहीं पूछा। नहीं नहीं, लेकिन आपका जो 12 घंटे पहले का ट्वीट है उसमें आप यही कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। आप एड्रेस तो राष्ट्रपति को ही कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति को एड्रेस कर रहे हैं, तो ये तो राष्ट्रपति पर ही नहीं कर रहा हूँ ना, तो राष्ट्रपति बन में इसी संदर्भ पूछ रहा हूँ ना। पहला उसका मीनिंग यही है, मतलब यही है कि दूसरा ये सवाल पूछता तो उसका गर्दन हम पकड़ लेते कि वो कैसे कह रहा है। ऐसे हम अपने प्रतिनिधि से पूछ सकते, हमारा वोट लेके गए हैं, हमारे इंटरेस्ट को कहाँ है। लेकिन उदित राज जी, अगर ये शब्द इस्तेमाल करता तो दूसरा अगर व्यक्ति इस्तेमाल करता तो उसको तौहीन समझा जाता, गरिमा के खिलाफ समझा जाता। ये गरिमा के खिलाफ आपको नहीं लगता? एक दलित नहीं, हमारी आलोचना है, हम आलोचना करेंगे, अपने प्रतिनिधि से सवाल करेंगे। नहीं, सवाल करिए, आप सवाल पे कोई आपत्ति नहीं, विपक्षी पार्टी के नेता हैं आप, आपका सवाल करना हक है। लेकिन एक नेता नहीं है, मैं दलित आदिवासी की आवाज हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं ना, उस नाते मैं कह रही हूँ कि एक विपक्ष की आवाज भी है। आप जबरदस्ती जोड़ देना उसमें अलग बात है, जबरदस्ती कैसे जोड़ना? आपकी ये निजी राय है, लाइफ नहीं है क्या, निजी ख्याल नहीं है क्या? वहाँ कोई बुद्धिस्ट है तो कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, उनका अपना निजी होता है, कोई कल्चरल। उदित राज जी देखिए, आप देखिए, प्रतिभा पाटिल कांग्रेस की नेता थी, राष्ट्रपति बनी। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के नेता थे, राष्ट्रपति बने। तो राष्ट्रपति कई बार देश ने देखा है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो नेता रहते हैं उनको भी राष्ट्रपति, वो भी राष्ट्रपति के पद पर गए हैं। तो ऐसे में मुद्दे से बाहर नहीं, नहीं मुद्दे पर ही आ रही हूँ। आप इस तरह का बयान अगर नहीं है, उनसे उनकी तुलना इनसे नहीं है। राष्ट्रपति रिप्रेजेंटेटिव के रूप से गई है तो अध्यक्षियों के लिए क्या बोला, न पहले बोला था न अब बोला है। मैं आदिवासी, और आपने क्या बोला उदित राज जी? आदिवासी के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल कर रहा हूँ, देश के राष्ट्रपति से सवाल नहीं किया। तो दोनों हैसियत है उनकी, एक राष्ट्रपति भी है तो क्या हमारे रिप्रेजेंटेशन भी? लेकिन राष्ट्रपति से आप सवाल करने का एक सवाल करने की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, जिस तरह के शब्द आपने नहीं भंग किया है। मैंने जो सवाल, जो जवाब देना था मैंने जवाब दिया, धन्यवाद। तो हमारी सहयोगी रंजिता ने उनसे टेलीफोनिक बातचीत की, लेकिन पूरे बातचीत के दौरान आपने भी सुना कि साफ तौर पर वो इससे मुकरते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी का बयान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका निजी बयान है और उन्होंने राष्ट्रपति पर ये आक्षेप नहीं लगाया, वो बल्कि अपने ही दलित नेता से ये सवाल कर रहे थे। फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे विवाद के बाद क्या कुछ करना है बीजेपी पार्टी का, वो भी सुन लीजिए। आज उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है, वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। आज कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के वक्तव्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि आखिरकार देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार की चिंतन कांग्रेस पार्टी में क्यों है।
और इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नेता उदित राज पर अब एनसीडब्ल्यू ने आपको बता दें कि नोटिस उन्हें जारी किया है। जो कुछ उन्हें द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ बोला है, जो ट्वीट उनका था, उस पर अब नोटिस जारी किया है महिला आयोग ने, उस पर इनसे जवाब भी मांगा है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। आपको बता दें एनसीडब्ल्यू की तरफ से यानी महिला आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि इस तरीके की जो टिप्पणी की गई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो स्वीकार्य नहीं होगी, और देश के सर्वोच्च पद पर जो आसीन है उनके लिए इस तरीके की टिप्पणी करना किसी भी तरीके से शोभनीय नहीं है। तो एनसीडब्ल्यू ने इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया उदित राज को। और इसके साथ ही आपको बता दें हमारी सहयोगी नियामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। नियामिका, एक विवादास्पद टिप्पणी, एक ट्वीट किया जिससे पूरा बवाल मचा राष्ट्रपति द्रौपदी के खिलाफ। हालांकि अब एनसीडब्ल्यू ने उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में नियामिका? जी बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है जब उदित राज ने कुछ इस तरीके की टिप्पणी की है। इससे पहले भी उदित राज की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टैम्प भी कहा गया था, और अब जिस तरीके की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्होंने चमचा जो शब्द यूज़ किया है द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ, उसको लेकर एनसीडब्ल्यू का एक नोटिस भी उनको जारी किया गया है। एनसीडब्ल्यू की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, उन्होंने भी ट्वीट करके बोला है कि ये जो स्टेटमेंट है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस स्टेटमेंट को लेकर उदित राज को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है जो द्रौपदी मुर्मू होल्ड करती हैं, और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उदित राज की अगर बात करें तो उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ तौर पर मना कर दिया। जब हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की तो उनका कहना था कि ये उनकी निजी राय है और उनका उनकी पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं वो एक राष्ट्रपति से नहीं बल्कि अपनी एक प्रतिनिधित्व से किए हैं, क्योंकि वो भी दलित समाज से हैं, और उनका कहना है कि एक दलित समाज के होने के तौर पर उनका पूरा अधिकार है कि वो द्रौपदी मुर्मू से इस तरीके के सवाल खड़े कर सकते हैं। जी बिल्कुल नियामिका, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो उदित राज यहाँ पर ये भूल गए कि अपने ही प्रतिनिधि से वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसी भाषा पर आपत्ति जताते हुए एनसीडब्ल्यू महिला आयोग ने अब उन्हें नोटिस जारी किया है और उनसे माफीनामा भी तलब किया है।